हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत नंदीस ऑल इन वन। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मेनबोर्ड आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है आरकेएन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। ये आईपीओ स्पेशल केमिकल बनाने वाली कंपनी है। ये आईपीओ ओपन होगा 9 नवंबर को। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का टोटल एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरकेएन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2021 में ब्रोमीन और औद्योगिक नमक का भारत का सबसे बड़ा निर्यातक है। कंपनी भारत में अग्रणी विशेष समुद्री रसायन निर्माता है और दुनिया भर के ग्राहकों को ब्रोमीन, औद्योगिक नमक और पोटास के सल्फेट के उत्पादन और निर्यातक पर केंद्रित है। आरकेएन केमिकल इंडस्ट्री 13 देशों में 18 वैश्विक ग्राहकों और 24 घरेलू ग्राहकों के लिए उत्पादकों का विपणन करती है। वित्तीय वर्ष 2021 में 2.7 मिलियन मीट्रिक टन के निर्यातक के साथ कंपनी भारत में औद्योगिक नमक की सबसे बड़ी निर्यातक थी। आरकेएन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड भारत में ब्रोमीन का सबसे बड़ा निर्यातक है। कंपनी भारत में सल्फेट पोटास की एकमात्र निर्माता है। कंपनी का समुद्री रसायन व्यवसाय मुख्य रूप से भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार से व्यवसाय के आधार पर संचालित होता है। कंपनी के पास ब्रोमीन, औद्योगिक नमक और पोटास संचालन के सल्फेट के लिए एक एकीकृत उत्पादन सुविधा है, जो गुजरात के हाजीपुर में स्थित है, जो कच्छ के नमकीन क्षेत्रों के रण के उत्तरीय किनारे पर स्थित है। कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ब्रोमीन और औद्योगिक नमक में बाजार की अग्रणी स्थिति, विस्तार और विकास, विशेष समुद्री रसायन उद्योग में उच्च प्रवेश बाधाएं, लागत दक्षता के साथ स्थानिक बुनियादी ढांचा और एकीकृत उत्पादन, पर्यावरण और सुरक्षा पर ध्यान दे, वैश्विक आधार के साथ ब्रोमीन और औद्योगिक नमक का सबसे बड़ा भारतीय निर्यातक, मजबूत और लगातार वित्तीय प्रदर्शन, अनुभवी प्रबंधन की टीम, प्रमोटर और वित्तीय निवेशक और हितधारक। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े करोड़ों में दिए हैं। साल 31 मार्च 2019 में कंपनी को 39.97 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2020 में कंपनी को 36.24 करोड़ का घाटा हुआ था। साल 31 मार्च 2022 में कंपनी को 188.58 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 30 जून 2022 में कंपनी को 84.41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की नेटवर्थ और बोरोइंग में भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रॉफिटेबल है और कंपनी प्रॉफिट करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के इश्यू लाने के उद्देश्य के बारे में बात करें तो बिक्री करने वाले शेयर धारक ऑफर फॉर सेल की आय के अपने अपने हिस्से के हकदार होंगे। कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए नए निगम की शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी द्वारा जारी एनसीडी का आसंगिक या पूर्ण रूप से मोचन या पूर्ण मोचन में करेगी। कंपनी सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में करेगी। अब हम कंपनी के प्रमोटर जान लेते हैं। केमिकल स्पेशलिटी LLP रवि पेंदुर्थी और रणजीत पेंदुर्थी कंपनी के प्रमोटर है। आरकेएन केमिकल आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 9 नवंबर 2022 को। आईपीओ क्लोज होगा 11 नवंबर को। शेयर की फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड है 386 से ₹407 पर शेयर। हमें कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है, यानी कि 407 पर। लॉट साइज 36 शेयर की है। इश्यू की साइज 1462.31 करोड़ की है। प्रेस इश्यू 805 करोड़ का है। ऑफर फॉर शेयर 657.31 करोड़ के शेयर हो गए। इश्यू टाइप ऑफ बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाली है। JIB कोटा 75% का है, HNI कोटा 15% का है और रिटेल कोटा 10% का रिजर्व रखा गया है। आरकेएन केमिकल आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 9 नवंबर को। आईपीओ क्लोज होगा 11 नवंबर को। आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 16 नवंबर को। ऐसे रिफंड की प्रोसेसिंग होगी 17 नवंबर को। अलॉटमेंट मिला होगा उसे शेयर उसके डिबेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 18 नवंबर को। आईपीओ की लिस्टिंग 21 नवंबर को होगी। आरकेएन केमिकल आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम एक लॉट में 36 शेयर है, उसकी अमाउंट है ₹14,652। मैक्सिमम 13 लॉट में 468 शेयर है, उसकी अमाउंट है ₹1,90,476। आरकेएन केमिकल आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रे इश्यू की शेयर होल्डिंग 65.58% की है, जो लिस्टिंग होने के बाद पोस्ट इश्यू की शेयर होल्डिंग 55.04% की रहेगी। आरकेएन केमिकल आईपीओ का रजिस्टर है लिंकिंग टाइम इंडियाज प्राइवेट लिमिटेड। आरकेएन केमिकल आईपीओ के लीड मैनेजर है IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, GM फाइनेंशियल लिमिटेड। आरकेएन केमिकल आईपीओ के पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो आरकेएन केमिकल जैसी चार कंपनियां पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड है। इनमें टाटा केमिकल, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, न्यूजन केमिकल शामिल है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वर्ष 2021-22 के टोटल इनकम के मुकाबले आरकेएन केमिकल छोटी कंपनी है और नियोजन केमिकल से बड़ी। वर्ष 2021-22 के आमदनी अनुसार इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.29 का है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 16.10 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 72.24% का है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है।
कंपनी की आईपीओ की वैल्यूएशन काफी सस्ती लगाई गई है। आर्कियन केमिकल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो आज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपए के अराउंड चल रहा है, यानी कि एक लॉट पर 50 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 1800 का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो मेरी राय यह है कि आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम दोनों नजरिए से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है, केमिकल सेक्टर की कंपनी हमेशा अच्छा लिस्टिंग एंड देते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी स्पेशल केमिकल बनाने वाली कंपनी है, इसमें कंपनी लीडर भी है। इस आईपीओ में हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, मगर ओवरऑल बात करें तो ये आईपीओ काफी अच्छा है। फिर भी आपकी इस आईपीओ के लिए क्या राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। गाइस, अप्लाई करने से पहले आपके ब्रोकर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बनाया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।